अरे हरा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा। कि मैं सबसे पहले आप लोग का नमस्ते करें, ऐसे मेरी मम्मी जी कभी नमस्ते, मम्मी जी खुश रहा बेटी, अपने हस्बैंड जी कभी नमस्ते, नमस्ते दादाजी, खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, बच्चे राधे राधे। हम तो हमारे बड़ी बहू तो आप लोग जानते होंगे कि कितना वो है, कुछ उठा कर पटक देती है, फेंक देती है। हम कह रही है कि मत फेंको, तब कहती है कि निकल जाओ घर से, जो फाटक होता है ना उसको बिल्ली हान देती है, जबकि घर में मत आओ। तो हम इसको डरवाने के लिए अपने सहेली के घर, एक गांव के पश्चिम तरफ है, तो हमको पता भी नहीं चला, इनके मालूम ना है। तो उसी अपने सहेली के घर हम रही थी, तो हम ये सोची है कि अपने दिल में, हमारा दिल रोता है कि हमारे छोटे बच्चे हैं सत्यम, तो वो ठंडा लगता है, तो बाबू खोजे भी गए हैं, हम नहीं मिले हैं, तो हम अपने से घर पर चले आए। क्या देखिए मम्मी ना, देखिए हम लोग परेशान हो गए तो चलिए आए। वो हमारे सहेली के जो बच्चे हैं तो देखते हैं, तो हम कहें बाबू तन दीपू बलग कर वीडियो दिखा दो, देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं घर पर, तो दिखाए। दोस्तों, इनके मम्मी के चक्कर में वीडियो कुछ नहीं बन पाया, शाम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या बताया जाए दोस्तों। हमारे बच्चे, हमारे बहू घबरा गए हैं, हमारा लड़का रो रहा है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। सत्यम कह रहे हैं कि दादी कहाँ पर गई है, तो हम ये सोचे हैं कि हमारे भलवे से गूंगी है तो का ठंडा उंडा लगता है हमको, तो कैसे कह रही है, ऐसे ऐसे डर लग रहा है, बता रही है ऐसे डर लगता है, मम्मी जी चली गई है, टाइम बता रही थी, बहुत धुआं लग रहा है। तो हम ये सोचे हैं कि वो तो अब गंभीर आसन के हो गई हैं, तो दिल में अपने सोची है कहीं डर न जाएगी तो नुकसान कुछ हो जाएगा, तो हमको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। क्या हुआ? अरे भाभी जी नाराज हो गए। दादा घुमा रही है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आग जल चुका है और धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है, धुआं लग रहा है। जो हम गुस्से से गए हैं तो एक काम तो फायदा किए हैं कि हम सोचिए कि हमारे बहू सब ठंडाती होंगे, तो हम गए हैं तो लकड़ी लेकर आई हैं। ये क्या बोला अंगिरा जी, नल्ली खाएंगे फिर से दोबारा। अब मत दीजिएगा चाय, बच्चों को ज्यादा नहीं दिया जाता है, आपके लिए चाय गर्मा रहा है। हाँ गरम। और दोस्तों देखिए ठंडी में ऐसे चाय गरम करके हम लोग पीते हैं, अंगिरा जी हमारे लिए चाय गरम कर रही हैं। जो हमारे घर जो भैंसी है ना, तो देखो हम गोईठा पाथी हैं। हाँ ये तो काम दे रहा, कवड़ा कर देती हैं, ये लकड़ी रख देती हैं। और दादाजी को भी ठंडा, दादाजी जैकेट क्यों नहीं पहने हैं? बाप पिछले बानी धूप भी कहा, अंगिरा का कहते लू दादाजी को बोलना है ना जो पहन ले जर्सी। हाँ दादा बोलते हमको शर्म लगता है, बना जाते हैं क्या दादाजी? वही बना जाते हैं, हमको बहुत भारी लगता है। नहीं भैया, जर्सी पहन के काम करना बहुत ज्यादा ठंडा है। ये हमारा ये छोटू है, तो कह रही है कि दादी कहाँ पर गई है, जाओ चाचा दादी कर खोज कर लाओ। सत्यम दादी कहाँ पर रुस के गई है? खोजत रहा, खोज रहे हैं चाचू चाचा से कह दो, हम दादी के खोज रहे हैं, चाचू चाचा हम दादी के खोज रहे हैं, हम दादी खोज रहे हैं। दोस्तों ठंडी का मजा हम लोग ले रहे हैं, आग से एक से के भाई जल रहा है, एक भी ठंडा नहीं ले रहा है दादी। नहीं चेवा के रहा मेरा, ये चेवा दीजिए पी है तब तक भाई साहब, चाय वगैरह पीते हैं। आप लोगों को एक तो गाना मैं सुनाएंगे आज, बहुत ज्यादा दिन हो गया है दादाजी को गाना सुनाए, बहुत ज्यादा दिन हो गया था। अर्गो से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम परी रहे बरसताई हूँ सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न झूठे कभी न घर द्वार छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे।
ओ मेरे गगन में खेले तेरी सूरज चंदा तारे, इन्हीं से मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तो गाइस यहाँ पे भाभी जी रेडी हो चुकी हैं और मम्मी जी से माफी मांगने जा रही हैं। अंगिरा जी क्या बोल रही थी भाभी जी? कर रही हैं अब नहीं मारो, अब नहीं झगड़ा करेंगे, बोल रही हैं। ये कह रही हैं कि मम्मी जी घर पर नहीं है तो हम रो रही हैं, तो हमको तो बहुत दर्द होता है, हम तो खुद चले आई हैं, कहीं हमार बहू कैसे आग तापेंगे। तो गाइस मम्मी जी आ चुकी हैं लेकिन भैया अभी तक नहीं आया है। दादी पता नहीं चला भैया कुछ उधर? पता नहीं चला, दो दिन हुआ नहीं घर। टीकर जाते हैं ना उनके पास फल वाले दुकान पे? टीकर जाते थे, हमको इतनी लगा था जे ठंडा हम कहाँ चल गए ना, मैं खोज गइल बना। अंगिरा जी क्या कह रही हैं? क्या क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कंटो बाबू क्या हो गया, घर पे आप थी तो मम्मी थोड़ी जानेंगे। ये बोल रहे हैं कि ठंडा लग रहा है। हाँ ठंडा बहुत ज्यादा है दोस्तों, देख सकते हैं एकदम पूरा दिन रात आग के पास ही बीत जा रहा है, ऐसे आग सेको। यहाँ पे मम्मी जी पता नहीं क्या खोज रही हैं, क्या ढूंढ रही हैं मम्मी जी? चप्पल। अंगिरा जी मम्मी जी को चप्पल दे दीजिए, ठंडा लग जाएगा। कूड़वा नहीं है? हाँ कौड़ा नहीं है, नहीं मिल गया देखा दोस्तों। देखिए मम्मी जी अभी कितना छोटा चप्पल पहने, दिखाइए। अब बड़ा वाला खरीद के लाए तो क्यों नहीं पहन रही है? कंजूसाई करती है। देखा जाए बच्चों वाला चप्पल पहन रही है, ठंडा लग जाएगा। अपना ला दे दीजिए अंगिरा जी। ला रहा चप्पल? हाँ ला दीजिए। तो गाइस अंगिरा जी मम्मी जी को चप्पल दे दी, अगिनबाणी वाली बुलाई है, इसको वजन करेगी, लंबाई भी नापेगी। तो रात हो चुका मम्मी, रात को जा रही है। दुल्हन है ना ये बहुरानी, कला हाँ देखी, अरे है हमारा तो बहुत अच्छा लगती है। तू तो पहले भाग 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 नन भगेगू, कान पकड़ो। अंगिरा जी देखिए, अंगिरा जी को भी मम्मी, अंगिरा जी को भी भाभी मार दी थी। सब कोई मार देती है, कुछ गुस्साती है तो दाल पटक देती है, सब्जी पटक दे रही हैं, चावल पीट दे रही हैं। का दादा खुशी बात बहुत खुशहाली। भाभी जी का प्रेगनेंसी कितने दिन का हो गया अंगिरा जी? 5 महीना हो गया नहीं, 4.5 महीना। 4.5 महीना? अरे वो कुछ नहीं होगा, समझा दीजिए, नहीं खराब नहीं हो, समझा दीजिए। वो ऐसे ही हो जाता है रानी जी, ठीक है हमको बता दो। ए अगस्त के बाद कौन महीना पड़ता है बताइए अंगिरा जी? सितंबर। तो 20-21 सितंबर कितना दिन हो गया बताइए अंगिरा जी जोड़ के? क्या मम्मी पूछ रही है, जोड़ के बताइए आप। हाँ सितंबर को, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीना। 4 महीना जी। भाई भैया जी भी आ चुके हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ गए थे मम्मी को मार के। देखिए अभी जस्ट आ रहे हैं और मम्मी अभी खाना खाने जा रही हैं। हम गए थे संगतिया घर। संगतिया घर गए थे दादाजी? मम्मी भी आ गई, ये भी आ गए। हीरा जी सबके लिए खाना निकाल रही हैं। दादाजी बोल रहे क्या हुआ जी? ऐसा तो गाई रात हो चुका, हम लोग तो खाना वाना खा चुके अंगिरा जी अभी। तो गाई अभी हम लोग डाल दिए हैं, बच्चे सब हैं छोटे छोटे रोटी खाने के लिए, टुकड़ा डाल दीजिए अंगिरा जी आइए। तो भाई साहब ठंड बहुत ज्यादा है और अभी हम लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे, भैया जी मम्मी जी गई थी कहीं तो दोनों लोग चले आए, बाकी काफी अच्छा लग रहा। और दोस्तों इस ब्लॉग को हम यही पेंट करते हैं, जैसे हमें बता दें आप लोग तो मेरा भी थोड़ा तबीयत खराब है तो अभी हम लोग बाहर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, बहुत जल्दी में हम लोग कहीं न्यू ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो अभी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आज के ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते प्रणाम जय हिंद।